हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बरसाती मिर्च की टॉप 5 हाइब्रिड किस्में। बरसात के दिनों पर कौन सी भी अच्छी किस्में हैं जिनको लगाकर आप एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, रोग मुक्त, ज़्यादा फुटाव आएँ और जो वायरस जनित बीमारी हैं कम देखने के लिए मिलें। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे वे 5 हाइब्रिड किस्में जिनका उत्पादन बहुत ही बेहतरीन है यदि आप बरसात के दिनों पर खेती करते हैं तो। यदि दोस्तों जानकारी के लिए आपको हम जानकारी साझा कर दें कि कोई भी आप नई वैरायटी को लगा रहे हैं, नई किस्मों का आप चुनाव सिलेक्शन कर रहे हैं, तो कोई भी नई किस्म लगाने से पहले थोड़ी बहुत जगह पर, 1 बीघे पर, 2 बीघे पर, 2-4 बिस्से पर उस वैरायटी को आप लगाकर ट्रायल के रूप में देखिए उस वैरायटी का फलन क्षमता, आपके जो जलवायु, जो क्लाइमेट्स कंडीशन है खेत पर कैसी है। यदि अच्छा उत्पादन है, रोग कम आते हैं, तो बेशक उस वैरायटी की रकबा को आप बढ़ा भी सकते हैं। इस लॉजिक को लगाकर ना यदि आप कोई भी खेती करेंगे तो उसमें ज़रूर आप सक्सेसफुल होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, फिर भी मार्केट पर एक अच्छा उत्पादन देने वाली जो किस्में हैं बरसात के दिनों पर आप इन किस्मों को लगा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 महिको की नवतेज 319 हाइब्रिड जो किस्में है ना दोस्तों, ये हाइब्रिड प्रजाति है और इसका भी उत्पादन फलन क्षमता बहुत ही लाजवाब है। तो अगर हम बात करें टाइमिंग, तो आप जून से अगस्त के मध्य आप खेती कर सकते हैं, बाकी आप दिसंबर से जनवरी के मध्य भी आप खेती कर सकते हैं। बाकी बरसात के लिए जून से अगस्त के मध्य इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। सभी राज्यों पर आप नवतेज वैरायटी को लगा सकते हैं। मिर्च की जो लंबाई होती है ना वो 8 से 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है। तीखा फन अत्यधिक होता है, रंग ग्रीन डार्क होता है जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं। रेजिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसमें रोग बीमारी बराबर आते हैं, लेकिन यदि आप अच्छा उत्पादन, अच्छी फलन क्षमता चाहते हैं तो प्रॉपर स्प्रे करना पड़ेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आपको कोई कहता है कि इस वैरायटी पर रोग बीमारी नहीं आते हैं, लीफ कर्ल वायरस, कोकड़ा रोग आता है, नहीं आता है, तो देखिए दोस्तों यदि आपके एरिया पर वायरस जनित बीमारी का प्रकोप होता है तो लिख कर रख लीजिए कोई भी नई किस्म पर प्रकोप हो सकता है, तो इसीलिए प्रॉपर आपको स्प्रे लेने पड़ेंगे, प्रॉपर इरिगेशन, फर्टिगेशन, देखभाल भी करनी पड़ेगी, तब आप मिर्च के एक सफल किसान बन सकते हैं, एक अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि ये जो 4-5 किस्में हैं इनमें रोग बीमारी नहीं आती हैं, आती हैं, सभी किस्म की तरह आती है, लेकिन जो फलन क्षमता वो अच्छी है। प्रॉपर स्प्रे चलाइए, रोग मुक्त, कीट मुक्त यदि फसल को रखेंगे तो कोई भी वायरस की बीमारी नहीं आएगी। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों प्रथम तौड़ाई, तो जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग है 60 से 65 दिन में यह जो वैरायटी है तौड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। 8 से 9 महीने इसकी सेल्फ लाइफ है। 1 एकड़ में 90 ग्राम से लेकर 100 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट के आसपास रखनी चाहिए। इसका जो उत्पादन है अधिकतम आप 40 से 45 टन तक आप उत्पादन निकाल सकते हैं यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो। इसके सीड्स की जो कीमत है ना 10 ग्राम सीड्स की जो प्राइस है 700 से 900 रुपये के मध्य प्रति पैकेट की कीमत देखने के लिए मिलती है। तो जो नवतेज मिर्च है यह कलरदार, आकर्षित ग्रीन और वजनदार के साथ साथ मार्केटिंग डिमांड हमेशा अच्छी बनी रहती है। तो इसकी नर्सरी ना बरसात के लिए मई, जून, जुलाई के मध्य आप नर्सरी डाल सकते हैं, गर्मियों के लिए मार्च से अप्रैल के मध्य, और वहीं सर्दियों के लिए अक्टूबर से नवंबर के मध्य आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो महिको की नवतेज 319 जो वैरायटी है इसकी फलन क्षमता अच्छी है, उत्पादन अच्छा, और काफ़ी किसान भाइयों की यह लोकप्रिय वैरायटी में से एक है। तो इस किस्म को आप लगाएंगे तो जो आउटपुट हैं वो अच्छे ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। नंबर 2 हाईवेज की सोनल F1 जो चीली आती है ना दोस्तों, ये भी काफ़ी बढ़िया चीली है। हाईवेज की सोनल मिर्च का रंग लाइट ग्रीन होता है और इस वैरायटी को किसान बड़े शौक से लगाते हैं, और काफ़ी अच्छी फलन क्षमता भी इस किस्म की है। फल का वजन 8 से 9 ग्राम तक होता है। फल की लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर यानी नॉर्मल से थोड़ी सी लंबी यह मिर्च होती है, लाइट ग्रीन होती है, और फल की मोटाई 1.2 सेंटीमीटर तक हो सकती है। तीखापन की अगर दोस्तों बात करें तो मध्यम होता है। प्रथम तुड़ाई 55 से 58 दिन और प्रतिरोधकता की अगर बात करें तो लीफ कर्ल वायरस के प्रति काफ़ी हद तक सहनशील किस्म है। इसका मतलब ये नहीं कि रोग बीमारी नहीं आती हैं, प्रॉपर आती हैं, स्प्रे आपको चलाने पड़ेंगे।
एक एकड़ में 80 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 10 ग्राम सीड्स की जो कीमत है ना 680 से 700 रुपये। लाइफ साइकिल 7 से 8 महीने बड़े आराम से चल जाती है। उत्पादन 30 से लेकर 45 टन तक आप उत्पादन अधिकतम निकाल सकते हैं, सभी राज्यों पर आप लगा सकते हैं। और इसको आप सर्दी गर्मी बरसात सभी सीजन पर आप सोनल किस्म को आप लगा सकते हैं। तो यह जो किस्में हैं सोनल जो वैरायटी है इसका उत्पादन भी बेहतरीन है। बात करते हैं नंबर 3 VNR की सुनिधि F1 वैरायटी आती है। अब जो VNR की जो मिर्च की किस्म है अब इनकी अगर हम सच्चाई की बात करें तो इन पर रोग बीमारी का प्रकोप थोड़ा सा ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, लेकिन सुनिधि जो वैरायटी है ना दोस्तों इसकी फलन क्षमता इतनी ज़्यादा है कि यदि हम सुनिधि वैरायटी की बंधाई नहीं करेंगे तो इतने ज़्यादा फल लगते हैं, पौधे टूटने लगते हैं। तो बंधाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रॉपर स्प्रे चलाएंगे तो VNR की सुनिधि से भी आप काफ़ी अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। तो इसका जो सही समय है रबी खरीफ और जायद तीनों सीजन पर लगा सकते हैं। हल्की और भारी दोनों प्रकार की सोयल पर इस वैरायटी का परफॉर्मेंस अच्छा है। सेल्फ लाइफ 8 से 9 माह चलती है। 10 ग्राम सीड्स की जो कीमत है 450 से 500 रुपये। जो फल होता है ना सुनिधि का वो ग्रीन गहरा चमकदार और अधिक तीखापन देखने के लिए मिलता है। फल की लंबाई 9 से 10 सेंटीमीटर। जितनी मार्केटिंग में डिमांड है मिर्च की उतना ही इसका साइज होता है 9 से 10 सेंटीमीटर। पहली तोड़ाई 55 से 60 और अधिकतम 62 दिन तक लग सकते हैं। इसका उत्पादन कम से कम 25 टन और अधिकतम 40 टन तक आप ले जा सकते हैं। एक एकड़ में 80 से 90 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है और एक एकड़ में सिंगल लाइन पर आप पौधरोपण कर रहे हैं तो लगभग 8000 सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट, लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट आपको रखना चाहिए। फलन क्षमता बहुत ही अच्छी है, बढ़िया है एवं मार्केटिंग डिमांड मार्केटिंग वैल्यू भी सुनिधि वैरायटी की बहुत अच्छी है। रोग बीमारी आती है एरिगेशन फर्टिगेशन स्प्रेइंग थोड़ा अच्छे करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलने वाला है। यदि आप भी नए नए पर VNR की सुनिधि वैरायटी का ट्रायल ले रहे हैं लगा रहे हैं तो थोड़ी बहुत जगह पर 2-4 पैकेट को आप लगा कर देखिए, उत्पादन अच्छा होता है क्वालिटी अच्छी मिलती है तो आप VNR की सुनिधि का रकबा को आप बढ़ा सकते हैं। अब यह जो वीडियो पर हम वैरायटी बतला रहे हैं ना हो सकता है आपके एरिया पर महंगी मिल रही हो उपलब्ध ना हो तो Amazon की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो वहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं, कीमत की पता आप लगा सकते हैं जानकारी ले सकते हैं तो आप Amazon से भी चाहें तो खरीद सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं नंबर 4 हाइबिस कंपनी की प्राइड 151F1 जो वैरायटी आती है। अब जो हाइबिस की प्राइड 151 जो वैरायटी आती है इसको आप रबी खरीफ और जायद पर लगा सकते हैं। फल की जो लंबाई होती है 8 से 10 सेंटीमीटर तक तीखापन उच्च होता है और जो सीड्स की जो कीमत है ना वो लगभग 10 ग्राम सीड्स की कीमत 690 से 750 रुपये। उत्पादन 35 से लेकर 65 टन तक आप एक एकड़ से पैदावार निकाल सकते हैं। प्रतिरोधकता के ऊपर अगर बात करें तो लीफ कर्ल वायरस है, इसके अलावा लीफ रोल वायरस के प्रति काफ़ी हद तक सहनशील किस्म है, लेकिन प्रॉपर आप स्प्रेइंग आपको करना पड़ेगा। और वायरस को फैलाने काम करता सफ़ेद मक्की तो माइट्स थ्रिप्स एफिडजेस्ट के प्रॉपर आपको स्प्रे लेने पड़ेंगे। इसके फल का रंग ग्रीन डार्क होता है जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, ग्रीन डार्क और काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होता है। फल की मोटाई मिर्च की 1.1 सेंटीमीटर तक हो सकती है। पहली तोड़ाई 60 से 65 दिन और एक एकड़ में लगभग 80 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। सेल्फ लाइफ 8 से 9 महीने चलती है। इसके अलावा रोग बीमारी बहुत ही कम आते हैं, लेकिन प्रॉपर आपको स्प्रे ज़रूर करना पड़ेगा। फल का वजन लगभग 6 ग्राम तक होता है और इसकी फलन क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है बढ़िया है। तो हमारे किसान भाई हाईवेज की प्राइड 151 वैरायटी को भी लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं नंबर 5 एडवांटा गोल्डन सीड्स की AK47 जो मिर्च है ना इसके फल का जो वजन बहुत ही अच्छा होता है, एकदम थोड़ा सा वजनदार चमकदार आकर्षित होता है और फलन क्षमता भी बहुत अच्छी है। फल में एक अलग शाइनिंग आती है। AK47 को यदि आप लगाएंगे तो फ्लावर बहुत अच्छे सेट होते हैं और अन्य वैरायटी की तुलना पर इसके फलों की चमक बहुत अच्छी देखने के लिए मिलती है। तो इसके फल ग्रीन डार्क होते हैं जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं।
तीखापन अत्यधिक होता है। उत्पादन 28 से लेकर आप 40 टन तक उत्पादन निकाल सकते हैं। पहली तुड़ाई 60 से 65 दिन में तैयार फसल हो जाती है। 10 ग्राम सीड्स की कीमत 300 से 450 तक हो सकती है। अब जो कीमतें हैं ना, वो देखिए समय के हिसाब से, एरिया के हिसाब से कीमतें कम और ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो इसलिए कमेंट्स ना करें, कीमत को लेकर ध्यान रखिए। और टाइमिंग रबी खरीफ जायद पर आप लगा सकते हैं। फल का रंग डार्क ग्रीन वजनदार होता है और एक एकड़ में 70 ग्राम से लेकर 80 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। इस वैरायटी पर भी मध्यम LCV और YLCV के प्रति काफ़ी हद तक सहनशील है। मोटाई और लंबाई के ऊपर दोस्तों बात करें तो इसकी मोटाई भी मध्यम होती है AK47 की तरह, लेकिन जो इसकी लंबाई है 7 से 10 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। पौधे से पौधे की दूरी 1 फिट रखिए और लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फिट आपको रखनी चाहिए। सेल्फ लाइफ के ऊपर बात करें तो 8 से 9 महीने के आसपास चल जाती है, तो ये मान लीजिए 8-9 महीने बड़े आराम से यह वैरायटी चलने वाली है। तो एडवांटा गोल्डन सीड्स की AK47 जो वैरायटी है, इसका भी फलन क्षमता अच्छा है और इसका प्रोडक्शन भी बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो ऐसा नहीं, यह पांचों की पांचों जो किस्में हैं सब एक से बढ़कर एक हैं। इन पांच में से कोई भी किस्म को आप लगाएंगे तो अच्छा उत्पादन ही पाने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने हाइब्रिड मिर्च की, जो बरसात में लगाई जाने वाली हाइब्रिड मिर्च की टॉप 5 किस्मों के बारे में डिस्कशन किया, जानकारी साझा की। यह कोई प्रमोशन, कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है। इस वीडियो का बनाने का मेन पर्पस किसान भाइयों को सही नॉलेज, सही जानकारी देना है। मिर्च की प्रॉपर बंधाई करें, इन वैरायटी पर भी रोग बीमारी का प्रकोप होगा यदि आप प्रॉपर एफिड जैसिड थ्रिप्स माइट्स की यदि प्रॉपर स्प्रे लेंगे, वाइट फ्लाई के प्रॉपर छिड़काव लेंगे, स्प्रेइंग करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इन वैरायटी से भी आप उत्पादन निकाल सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।